सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर क्या है, रूट अंडर वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेके प्लस टेन ए। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से वही चीज़ सोचना है। क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, गिवन डैट लेफ्ट हैंड साइड दिया है, जो दिया है वो लिख दिए रूट अंडर वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए। फिर राइट हैंड साइड को लिख लिया सेके प्लस टेन ए। अब हमको चलना है चूंकि राइट हैंड साइड से, इसलिए हम सॉल्यूशन में लिख लिए राइट हैंड साइड से एल एच एस इक्वल टू वन प्लस रूट अंडर वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया है, ये वाला चीज़ दिया है, वन प्लस साइन ए का कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं अभी तक, या वन माइनस साइन ए का कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, चुपचाप हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम वन प्लस साइन ए, नीचे में है वन माइनस साइन ए, रेशनलाइजेशन करते हैं, ये माइनस साइन है तो यहाँ वन प्लस साइन ए से ऊपर में, फिर वन प्लस साइन ए से नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए, ये रूट अंडर में है तो हम भी रूट चढ़ा दिए। अब क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए दो बार है तो हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए लिख दीजिए, रूट है रूट दीजिए, फिर वन प्लस साइन ए एक बार और रहने दीजिए। नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे वन है वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन ए है साइन ए का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे में वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट है रूट दीजिए। अब रूट के अंदर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, एक बाहर आएगा, स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स, तो एक बाहर आ जाएगा वन प्लस साइन ए, रूट हट जाएगा। नीचे में क्या मिलेगा, या एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, होता है। अब यहाँ से यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है तो क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर ए को राइट में ले जाइए, साइन स्क्वायर ए को राइट में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब इस फॉर्मूला से हमको मिल गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए, तो लिखिए नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, बगल में लिख सकते हैं, रूट है रूट दीजिए। अब इसको हटाइए, ये दो बार है एक रह जाएगा, वन प्लस साइन ए रूट से बाहर आ गया, नीचे में भी कॉस स्क्वायर ए है एक बाहर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखिए वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मिला है, अब तो सवाल पूरी तरीके से बन गया है, अब सिर्फ क्या करना, अलग अलग डिवाइड कीजिए, वन बाय कॉस ए लिखिए, प्लस है प्लस दीजिए, फिर साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लिखिए, वन बाय कॉस ए मालूम है आपको, याद ही होगा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो सेके हो जाएगा, प्लस साइन बाय कॉस बार बार यूज कर रहे हैं टेन ए होता है, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7। बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है बहुत बड़ा फैक्टर है और राइट में क्या है सिर्फ 10 थीटा लाना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन क्यूब थीटा, मतलब थर्ड डिग्री दिया है यहाँ पर, यहाँ भी थर्ड डिग्री, मतलब डिग्री थ्री यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करके लाना है डिग्री वन में। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, डिग्री किसी भी तरीके से कम करना होगा। ये पहला मेरा सोच रहेगा कि ये जो 3 डिग्री दिया है इसको किसी भी तरीके से रिड्यूस करते करते डिग्री 1 ला दें। ऐसा अगर करते हैं तो ये भी आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले वही काम जो दिया है वो लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम LHS। LHS में जो दिया है उसको लिखिए साइन थीटा फिर 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या बोला हमने, सबसे पहले किसी भी तरीके से डिग्री को चाहे जैसे हो रिड्यूस करना हो, तो यहाँ डिग्री कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी साइन, ऊपर में साइन कॉमन लेना होगा, नीचे में कॉस कॉमन लेना होगा, तो ऊपर में साइन कॉमन लीजिए। साइन थीटा हमने कॉमन किया, क्या मिला, साइन की जगह कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन था, साइन कॉमन ही ले लिया, बचा 1। माइनस से माइनस दीजिए, फिर यहाँ 2 है, 2 पहले रख दीजिए। अब यहाँ साइन क्यूब थीटा मतलब 3 डिग्री में से 1 डिग्री घट गया, साइन थीटा हमने ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से साइन थीटा कॉमन लिए थे, यानी 1 डिग्री कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2 डिग्री। फिर यहाँ पर कॉस कॉमन ले रहे हैं, कॉस कॉमन लिया, यहाँ पर देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा है तो 2 तो रहने वाला है, क्योंकि हमने कॉस सिर्फ कॉमन लिया है। फिर यहाँ कॉस क्यूब है तो बचेगा कॉस स्क्वायर, जो जो बचता जा रहा है उसको लिखते जाइए, माइनस में माइनस दीजिए। अब हमने कॉस कॉमन ही ले लिया तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के जगह पे 1 बचता है। अब देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा पढ़ा था क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये तो आ गया, यहीं पे प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसी भी तरीके से ये कैंसिल होने वाला है। देखते हैं क्या करेंगे आगे, जैसा है वैसा लिखते जाइए। 1 को हम चेंजिंग कर रहे हैं, 1 के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1 के जगह पर आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा है दीजिए। नीचे में भी वही काम करने वाले हैं, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बगल में आप लिख सकते हैं क्या यूज किए हैं, लिख दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने इसका यूज़ किया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में और इधर प्लस में, क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन करके लिखते हैं, यहाँ मिल रहा है साइन थीटा इंटू, यहाँ पर मिल रहा है क्या, पहले कॉस स्क्वायर लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, इसका मतलब माइनस 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में क्या है, कॉस, कॉस दीजिए इंटू, यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रैकेट क्या होगा खुलेगा, तो साइन माइनस में आएगा, कॉस भी माइनस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा, तो हम यहाँ कर देते हैं
समझ में अगर आपको आ गया, यहीं पे हम कर देते हैं माइनस में, दोनों को कर दिए। अब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस वाला काम खत्म, बचा क्या, माइनस में साइन, माइनस साइन दीजिए। देखिए ऊपर में भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे में भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है, और ये क्या हो गया, लेफ्ट राइट हैंड साइड हो गया, प्रूफ हो गया, यही लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा हमको, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस एक है, यहाँ पर कॉस प्लस सेक है, आप चाहें तो कॉस को बदल सकते हैं वन बाय साइन में, या साइन को बदल सकते हैं वन बाय कॉसेक में, यहाँ भी कॉस को चाहें तो आप बदल सकते हैं वन बाय सेक में, फिर सेक को चाहें तो बदल सकते हैं किस में, वन बाय कॉस में। आप पहले बदलिए या बाद में बदलिए, बदलना पड़ेगा, अभी बदल देंगे फिर उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तब भी एक ही बात होगा, हम पहले ही बदल देते हैं, साइन को चेंज करते हैं किस में, कॉसेक में, या एक बार अभी पहले क्या करते हैं हम इसको, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे मिलेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी करेंगे तो क्या मिलेगा, टू साइन ए इंटू कोसेक ए, फिर प्लस है प्लस दीजिए, यहां भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कीजिए मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू ए बी के जगह पर टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाय साइन, चाहे साइन को लिख सकते थे वन बाय कोसेक, यहां भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, फिर सेक को क्या लिखेंगे, वन बाय कॉस। अब देखिए ये साइन यहां से कट गया, कॉस भी कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब अरेंज करके लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला लिख लिया, फिर कॉसेक स्क्वायर ए है लिखिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या है, सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए, ये भी लिख दिया। अब यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, प्लस क्या हो जाएगा, फोर। अब यहाँ क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन प्लस फोर, पहले लिख देते हैं, फिर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हमने यूज क्या किया, यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, चूंकि यहां पे लिखेंगे यानी सिंस इंग्लिश में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन यूज किया हमने। अब यहां पे क्या मिलेगा, फोर प्लस वन फाइव, हमको चाहिए क्या, सेवन, फाइव तक तो आ गए, एक इससे मिल जाएगा, एक इससे मिल जाएगा, फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा, सेवन।
अब देखिए 4+1 5 हो गया। अब यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताइए, पढ़े थे आप क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकल जाएगा, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1+cot² हो गया। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर रखिए, क्या मिलेगा, 1+cot² प्लस है, प्लस दीजिए। उसी तरीके से सेक स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा, कैसे, चूंकि हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहां से सेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकालिए, क्या हो जाएगा, 1+10² हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखिए 1+10² यहां पर, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंस क्या हम जानते हैं, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1+10² एंड कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1+cot² इतना बात लिखते हैं तो भी अच्छा, नहीं लिखते हैं तो भी अच्छा, लिख दीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। 5+1+1 क्या हो जाएगा, 7 प्लस क्या, cot² प्लस 10² क्या है, 7+10² प्लस cot² हमने cot² को पहले लिखा है, इसको लिख दीजिए, आंसर मैच करवाना है तो 10² पहले लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, cot² क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था।